This is Grand Private Suite of Emirates First Class. Hello, hi. I'm Joy, flight person. Nice to meet you. Yeah, same here. Try करते हैं ये caviar. This is a dessert. I almost got detained. अभी जो immigration चल रहा है Hong Kong में, I don't know किस reason से ये इतना ज़्यादा खतरनाक tough हो गया है. वेलकम टू अनदर व्लॉग. ये जो व्लॉग है पूरी HV की हिस्ट्री उठाकर देख लो, 400 से ऊपर वीडियो अपलोड किए हैं, बट दिस वन विल बी अ शो स्टॉपर ऑफ 403 व्लॉग्स. ये है एमिरेट्स फर्स्ट क्लास फ्रॉम बैंकॉक टू हांगकॉन्ग. व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना. आपके लाइक आपके सब्सक्राइब की वजह से ही ना जाने हमने कितना लंबा एक सफर तय किया है. और अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट के अंदर जाके हम जो है बैग को देंगे. बाय द वे ये प्लेन A380 है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन, उसका फर्स्ट क्लास. यहाँ से देख लेने का कौन सी रो में एमिरेट्स के काउंटर्स हैं. इट इज S से लेके U तक. तो भाई फर्स्ट क्लास में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जो शायद ऑफकोर्स आपने देखा है मेरा बिजनेस क्लास वाला वीडियो, बट फर्स्ट क्लास इज समथिंग मच मच मोर. तो शावर भी इंक्लूडेड है हमारी फ्लाइट में. शावर के साथ साथ शॉफर सर्विस आपने सुनी होगी. घर पे गाड़ी आती है पिकअप करने, एमिरेट्स की गाड़ी आती है पिकअप करने, और ड्रॉप करने भी आपके होटल तक एमिरेट्स की गाड़ी जाती है. और वो गाड़ी ऐसी वैसी नहीं होती, वो प्रॉपर BMW होती है या फिर मर्सिडीज होगी. दिस इज कॉल्ड शॉफर. और मैक्सिमम ये अवेलेबल होता है फर्स्ट क्लास में. कभी कभी बिजनेस में भी होता है बट मोस्टली फर्स्ट क्लास में. हांगकांग में शॉफर सर्विस सिर्फ फर्स्ट क्लास में ही अवेलेबल है. तो ये जो फर्स्ट क्लास है इसमें प्राइवेट बार भी है फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए. इट्स बेसिकली अ पार्टी एरिया. तो वो सब मैं आपको बताऊंगा. एमिरेट्स का डेडिकेटेड लाउंज है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट में. मतलब मजा आने वाला है इस वाले कॉन्टेंट में. पूरा एमिरेट्स का फ्लाइट ये भरा हुआ है A380, लेकिन हम जो हैं सब कुछ बाईपास करने वाले हैं क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में. ये जो लाउंज देख रहे हो ना, मतलब थाई एयरवेज का भी डेडिकेटेड लाउंज है, एयर फ्रांस का है, कैथे पैसिफिक, और हमारा है एमिरेट्स का डेडिकेटेड लाउंज. तो वहीं जा रहे हैं. मेरा हो गया इमिग्रेशन बाय द वे, एंड लेट मी टेल यू क्या क्या पूछा इमिग्रेशन में. फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने बोर्डिंग पास किया तो उन्होंने मेरा ई वीज़ा चेक किया. पहले तो उन्होंने मना कर रहे थे कि भैया आप जल्दी आ रहे हो, कितने जल्दी आके क्या करोगे. मैंने बोला भाई लाउंज है, प्लीज आई विल गो टू लाउंज. तो उन्होंने फिर मुझे बोर्डिंग पास दे दिया और मेरा ई वीज़ा चेक किया बोर्डिंग पास देते वक्त. उसके बाद इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं. फर्स्ट या बिजनेस के लिए फास्ट ट्रैक लाइन है जहाँ से आप सिक्योरिटी और इमिग्रेशन जल्दी कर लोगे. मैंने बाहर पूछ लिया था चेक इन में लाउंज में अलाउ करेंगे कि नहीं. कहती कि हाँ लाउंज में आप जा सकते हो. मैंने कहा ठीक है, मैं आ गया. अब भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि 9:45 को खुलेगा हांगकांग वाला, कि अभी दुबई वाले फ्लाइट के लिए लोग ले रहे हैं पैसेंजर्स लाउंज के अंदर. मे बी बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू क्रिएट फस. किसी ने इतना पैसा दिया है तो एक घंटे की क्या ही बात होती है. ठीक है, अभी पूरा एक्सपीरियंस देखते हैं. तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हांगकांग की करेंसी. तो ये है लगभग 4,100 रुपए. तो एक हांगकांग डॉलर जो है वो 10 रुपए के बराबर है. हांगकांग कम्स अंडर चाइना. ये देखो ये 100 हांगकांग डॉलर्स है, मतलब लगभग 1,100 रुपए. अलग अलग फिगर्स बने हैं, इस पे अलग फिगर बना है, इस पे अलग फिगर बना है, और दिखने में देखो कितने कमाल के हैं. और ये है 10 हांगकांग डॉलर, ये भी कितना कमाल का है. अभी बस मैं जा रहा हूँ एमिरेट्स लाउंज. तो अभी आपने देखा कि जो हांगकांग की करेंसी है मैंने वो रख ली अपने पास. और जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो करेंसी के साथ साथ बहुत चीज़ें और रखनी पड़ती हैं. तो अब आप एक चीज़ समझना, इंश्योरेंस, वीज़ा, करेंसी, ये सब तो कॉमन हो गया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे अब जाके समझ में आई है वो होती है सिम. उस कंट्री की जिस कंट्री में आप जा रहे हो, जैसे कि मैं हांगकांग जा रहा हूँ, तो हांगकांग की सिम मैं पहले ही परचेज कर लूँ. अगर मैंने परचेज नहीं की तो भाई मुझे होने वाली है बहुत दिक्कत, क्योंकि अगर आपके पास सिम नहीं है ना उस कंट्री की जहाँ आप जा रहे हो, या तो आप वाईफाई पे डिपेंडेंट रहोगे, आपका जो मोबाइल डेटा रहेगा मतलब आपके लोकल सिम का, मतलब जो कंट्री ऑफ डिपार्चर है, वो उड़ जाएगा और इतना भारी बिल आएगा ना भाई, आप उसको EMI में भी नहीं चुका पाओगे. मैं क्या करता हूँ ना कि मैं इंडिया में ही जो भी कंट्री जा रहा हूँ इंडिया से, वहीं से अपने डेस्टिनेशन कंट्री की सिम खरीद लेता हूँ. तो जैसे ही मैं लैंड करता हूँ मेरी सिम हो जाती है एक्टिवेट और मोबाइल डेटा मैं यूज़ कर लेता हूँ. सबसे इम्पोर्टेंट होता है मोबाइल डेटा, इंटरनेट जो भी आप कंट्री में जा रहे हो, क्योंकि इंटरनेट नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने बोला कई बार इमिग्रेशन में बहुत चीज़ें पूछ लेते हैं जिसके लिए आपको नेट चाहिए होता है, और अगर नेट नहीं रहेगा ना
तो दिक्कत हो जाएगी। फॉरेन कंट्री में स्कैमर से बचने के लिए आपको इंटरनेट लगता है, नेविगेशन करने के लिए इंटरनेट लगता है, गूगल ट्रांसलेट यूज करने के लिए इंटरनेट लगता है। न्यूमेरो ईसिम ऐप के थ्रू ही मैंने इंडिया में ही हांगकांग की ईसिम खरीद ली थी। डाउनलोड कर लो न्यूमेरो ईसिम ऐप, मैंने भी डाउनलोड किया हुआ है, जिसकी वजह से अब मैं हांगकांग जब पहुंचूंगा वहां जाके मैं अपना मोबाइल डेटा एक्टिवेट कर लूंगा, ऑटोमेटिक हो जाता है बेसिकली। ऑल्सो बार कोड भी आ रहा होगा, ये बार कोड के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आ गया हूँ एमिरेट्स लाउंज में, अभी फिलहाल कोई भी नहीं है। ये है एमिरेट्स लाउंज स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट में। 9:45 को ये खुल गया था एंड दे क्लीन्ड इट अप, जो नए पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, एंड इट इज ह्यूज। तो पहले मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ। तो न्यूमेरो ईसीएम ऐप करता क्या है, अगर अपनी होम कंट्री में डेस्टिनेशन कंट्री की सिम डाउनलोड करनी है या फिर आपको सिम इंस्टॉल करनी है, अगर आपका फोन सपोर्ट करता है ई सिम को, तो आप न्यूमेरो ईसीएम ऐप के थ्रू कर सकते हो। वो जमाने गए कि आप कोई कंट्री जा रहे हो, वहाँ पे लाइन पे खड़े हो रहे हो, फिर वो सिम अपने फ़ोन पे डाल रहे हो, एक्टिवेट कर रहे हो, तो अब आपको लग रहा होगा भाई कैसे करना है। बेसिकली डाउनलोड करना है न्यूमेरो ईसिम ऐप, उसके बाद आपको अपनी कंट्री चूज़ करनी है, डेस्टिनेशन कंट्री, लेट्स से टर्की, यूएसए, यूके, कोई भी कंट्री चूज़ करने के बाद आपको सिम है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। सिंपल प्रोसीजर है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और अभी तो काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है टर्की, यूएस, यूके, तो मोबाइल डेटा के साथ साथ लोकल सिम की सर्विस भी मिलती है न्यूमेरो ऐप पे। एक ही ऐप पे सारी टेलीकॉम सर्विसेज मिल जाएंगी, अगर आपको लोकल कॉलिंग या मोबाइल डेटा मतलब सभी कुछ चाहिए तो वो भी हो जाएगा। तो जो मोबाइल डेटा प्लान्स होते हैं ना, उसी में जरूरी है कि आपके फोन में ई सिम होनी चाहिए। अगर आप दूसरा प्लान ले रहे हो टेलीकॉम सर्विस वाला, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आपके फोन में ई सिम सर्विस हो। न्यूमेरो इज अ वर्चुअल फोन इन योर फोन, मतलब आपके फोन के अंदर एक और फोन है ट्रैवलर्स के लिए, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। सो हाँ, अभी डाउनलोड कर लो, लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में। ये डाउनलोड कर लोगे ना, मतलब आपकी आधी प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएंगी कहीं पे भी जाओ। और जो ये वर्चुअल फोन नंबर होते हैं ना, ये रियल फोन नंबर होते हैं। Now lay me down to sleep, I pray the Lord that I wake again. It's a huge place. वो आगे तक देख लो, फिलहाल कोई भी नहीं है, अभी फिलहाल मैं ही आया हूँ। यहाँ पे मैगजीन वगैरह भी पढ़ सकते हो चाहो तो, आराम से बैठो। हर एक सीट पे सॉकेट है, चार्जर फोन, एंड हाँ हमें फ्री वाईफाई मिला है। पासवर्ड जो है ना वो स्टैम्प में है, एंड एवरीथिंग लुक्स वेरी स्वैंकी। वो यहाँ पे पैशन फ्रूट मूस और ये फ्रूट प्लेटर सब कुछ है, एंड द जूस ऑथेंटिक जूस, इट्स क्रेजी। सो यहाँ पे वी हैव शैम्पेन ऑप्शंस, वाइन ऑप्शंस, विस्की ऑप्शंस, कॉफी ऑप्शंस, तो वाइन ये अल्कोहल ऑप्शंस वहाँ पे भी हैं, आपने पीछे देखे, और यहाँ पे भी हैं, एंड दीज आर दी बेवरेज ऑप्शंस, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक दोनों। ये मुझे बहुत ही कमाल का लगा, मजेदार है यार, मतलब समझ नहीं आ रहा भाई क्या क्या ट्राई करूँ। आई थिंक आई विल गो विद फ्रूट प्लेटर और जूस, आगे देखते हैं क्या क्या है। देन वी हैव स्टीम जैस्मिन राइस, वेजिटेबल ग्रीन करी, स्पिनच, रोस्टेड पोटैटो, अगर आप वेज खाते हो तो वो भी ऑप्शंस हैं। इसके अलावा बारबेक्यू चिकन, साटे सॉस, अरेबिक रायता, लाइक देयर आर मेनी ऑप्शंस। अगर आपको यहाँ पे खाना है तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो, बेसिकली ये डाइनिंग एरिया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा बुफे लगा है, एंड आला कारते नहीं है, तो दिस इज द डाइनिंग एरिया और वो है लाउंज एरिया। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड आई हैव लाइक 3.5-4 hours, तो अभी मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, वाईफाई यूज करने वाला हूँ। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या हुआ, अभी देयर इज नो वन, स्टार्टिंग ऑफ दिस फ्रूट प्लेटर, एवरीथिंग लुक्स टॉप नॉच। मैं आज बहुत सारे फ्रूट्स खाने वाला हूँ फॉर श्योर। ऑल्सो मैंने ना एक चीज नोटिस की कि ये जो ग्लासेस हैं इनमें एमिरेट्स लिखा हुआ है, ये देखो। लाउंज के अंदर ये स्क्रीन भी है, आप अपनी फ्लाइट ट्रैक कर सकते हो कि बोर्डिंग स्टार्ट हुई नहीं हुई या फिर गेट कौन सा है, हालांकि इन्होंने गेट मेंशन कर दिया है बोर्डिंग पास में। दिस इज अगेन द सीटिंग एरिया, सो दिस इज द ग्रैंड वॉशरूम ऑफ एमिरेट्स फर्स्ट क्लास एंड बिजनेस क्लास लाउंज। टॉवल वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, हैंड ड्रायर, एंड दिस इज द वॉशरूम, लुक्स क्लीन एंड एलिगेंट। यहाँ तक भी देखा है ना वीडियो, प्लीज लाइक कर देना प्लीज। पहली बार देख रहा हूँ बॉडी लोशन भी दिया हुआ लाउंज में, लिक्विड सोप तो होता ही है बट बॉडी लोशन भी है।
तो अभी के लिए मैंने ये खाना लिया है, ये है चिकन कैश्यू नट, ये है स्पिनच रिसोट, आई डोंट नो कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, मुझे माफ करना, और ये है पोटैटो वेजेस, और ये है वनीला सॉस, मैंगो सॉस भी थी पर ये है वनीला सॉस, और भाई दिखने में लग रही है एक नंबर, और ये है कुछ ड्राई फ्रूट वाला केक। तो स्टार्ट करते हैं पहले इससे स्पिनच रिसोटो से, चीज स्पिनच रिसोटो से। दिस इज स्ट्रेट 10/10। और बाय द वे बहुत सारे ऑप्शंस थे, मेयोनी के, केचप के, ऑलिव ऑयल के, मस्टर्ड सॉस के, 7 टाइप की मस्टर्ड सॉस थी। दिस थिंग इज क्रेजी। ट्राई करते हैं चिकन, लेट्स सी हाउ दिस। पूरा कैश्यू का टेस्ट है। ये जो पूरी कुजीन देख रहे हो, अरेबिक कुजीन भी है इसमें, मतलब पीता ब्रेड तो बहुत ही कॉमन है, वो तो है ही। कैश्यू चिकन इज अगेन 10/10। गाइस आई डोंट थिंक मुझे रेटिंग करनी चाहिए, द फूड इज ऑसम। खुद को रोक पाना बहुत डिफिकल्ट है, क्रेजी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स ट्राई दिस डेजर्ट विद द वनीला सॉस, एंड आई थिंक ये चॉकलेट है नीचे, लेट्स ट्राई दिस। Up the tank, cranking up the radio, playing old Hank. It ain't that long till I'm back at the pond. I'm pulling up the truck. तो अभी मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, बहुत नींद चढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा। करियर का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं इतना थका हुआ हूँ, आई डोंट नो कि कैसा बनेगा, बट एनीवे यहाँ तक भी देखा तो प्लीज़ लाइक कर देना। फाइनली हम निकल गए हैं गेट्स के टूवर्ड्स, गेट है E4। 2-3 घंटा आराम से रहा भाई एमिरेट्स लाउंज में। गाइज इट वॉज अमेजिंग, वन ऑफ अ काइंड लाउंज, और बिलीव मी ये बहुत ही एवरेज है एमिरेट्स के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो दुबई वाला जो लाउंज है वो वर्ल्ड का बेस्ट माना जाता है। एंड अगर आपका सपोर्ट रहा इस वीडियो में, अगर 2-3 मिलियन व्यूज अपने दे दिए, पता नहीं 1 मिलियन भी दे दिए ना, पक्का आई ट्राई फॉर दुबई लाउंज कि एक बार मैं एक्सपीरियंस कर सकूं। क्योंकि आपने पास्ट वीडियोस को बहुत प्यार दिया, चाहे वो एयर इंडिया का फर्स्ट क्लास हो, उसमें आपने 2 मिलियन व्यूज दे दिए। तो एमिरेट्स के बिजनेस में आपने 4 लाख व्यूज दिए और पता नहीं शायद 25,000 लाइक्स दिए, 30,000 लाइक्स आई थिंक सो। तो वो आपका सपोर्ट ही है जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूं। तो ये जो ब्लू कलर का प्लेन देख रहे हो ना, जायंट, दिस इज एमिरेट्स विद अ न्यू लाइवरी, वो देख रहे हो, वो आइकॉनिक ड्रेस है एमिरेट्स की। बिजनेस और फर्स्ट क्लास कैबिन्स हैं, अपर डेक में है। दिस इज अ जंबो जेट डबल डेकर प्लेन। जस्ट डू लेट मी नो इफ वी हैव एनी विंडो ऑन, बट इफ एनीबॉडी वांट्स टू चेंज, या श्योर। दिस इज ग्रैंड प्राइवेट स्वीट ऑफ एमिरेट फर्स्ट क्लास, ये सच में स्वीट है। और कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, कहाँ से एंड करूँ, एंड दिस इज द इनफेमस हॉलीवुड मिरर, इसको हॉलीवुड मिरर कहते हैं क्योंकि सो दिस इज द शैम्पेन। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ब्रांड बता सकूँ। जो आपको जितना दिख रहा है, इट इज़ फार फार मोर देन दैट। ये स्क्रीन है ना, आई कैन ईजिली टेल यू, मेरे को लग रहा है कि 36 इंच की टीवी है फॉर श्योर। ये ICE, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट, सब कुछ मिलेगा आपको इस IFE में। दिस इज द ग्रैंड IFE ऑफ एमिरेट्स फर्स्ट क्लास। यहाँ पे लैम्प है, यहाँ पे लैम्प है, और मेरे पीछे पता नहीं कितनी लैम्प्स होंगी। एंड अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, सो आई हैव दिस सुपर लग्जरी एमिरेट्स हेडफोन्स, और ये कंपनी का नाम लिखा है बोवर्स एंड विल्किंस, एक्सक्लूसिवली फॉर एमिरेट्स। आपको तो बेस से लेके पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा अगर आप मूवी देखते हो एमिरेट्स फर्स्ट क्लास में। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये एग्जैक्टली इसके अंदर क्या है। सो ये है हेडफोन्स अगर आप मूवी देखते हो एमिरेट्स फर्स्ट क्लास में, बोवर्स एंड विल्किंस। मुझे लगता है कि मैं स्क्रीन पे प्राइस डाल ही दूंगा गूगल करके। एंड लुक एट द पैकिंग गाइस, इट्स सो प्रीमियम, इतना कमाल का लग रहा है ना। ये जो 3 बटन्स देख रहे हो, दिस इज़ फॉर द प्राइवेसी। तो मैंने ये दबाया तो ये जो है ये नीचे आ जाएगा, बट मुझे करना नहीं है, बट अब ये नीचे आएगा पूरा।
लुक एट दिस साइज ऑफ अ पिलो, लगेगा कोई ताज का पिलो है। ये जो पूरा कॉटन है ये आई डोंट नो द टर्म, बेसिकली आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। और जो पजामास मिलते हैं, एमिनिटीज मिलती है, वो भी उस टाइप से डिजाइन की हुई है कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो ड्यूरिंग द फ्लाइट। द मैटर ऑफ कोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन जस्ट एंड दिस इज द विड्थ ऑफ दिस सीट, मतलब दो लोग आराम से आ जाएंगे इसके अंदर। ये है टैब जिससे आप अपना पूरा स्वीट कंट्रोल करते हो। एक बटन दिख रहा है, इसको प्रेस करोगे तो ये टैब निकल जाएगा। इस टैब में यू कैन वॉच एवरीथिंग। ये देखो भाई, अभी हम बैंकॉक में एंड वील बी फ्लाइंग टू हांगकॉन्ग। जस्ट विद दिस टैब यू कैन कंट्रोल द होल स्वीट। इस स्वीट को मैं इस टैब से कंट्रोल कर सकता हूँ। ज़रूरी तो नहीं है ना कि भाई मैं इतना आगे हाथ दूंगा, स्क्रीन टच करूंगा, यहीं से कर लेते हैं सब कुछ। तो बेसिकली अगर मुझे मेरी सीट को एडजस्ट करना है, बटन अटन प्रेस करने का जमाना गया, ये अब टैब से ही करते हैं। सो लेट्स एडजस्ट, ये चीज़ एडजस्ट करते हैं। चलो हाय, आई विल टेक दिस वन, थैंक यू। हाय, नो आई, दिस इज अरेबिक कॉफी राइट, आफ्टर द फूड आई विल हैव दिस। श्योर, आई थिंक अभी वी आर अबाउट टू टेक ऑफ, इसीलिए अभी ये प्राइवेट नहीं हो रहा है, बट टेक ऑफ के बाद ये सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा। So this is the Grand Emirates menu. अभी आप लोग वंडर कर रहे होंगे, भाई वेयर इज द ट्रे टेबल। सो ट्रे टेबल है ये, इट इज द ग्रैंड एंड द बिगेस्ट ट्रे टेबल ऑफ ऑल टाइम। बट अभी इसको मैं अंदर रख दूंगा क्योंकि अभी टेक ऑफ का वक्त है, इस पे ही हम अपना खाना खाएंगे। एंड गॉड नोस अभी मैं क्या मंगवाता हूँ, है ना कमाल का। इसके अलावा अगर आपको मन कर रहा है ये मूवमेंट्स को कैप्चर करने का, अगर आपको मन कर रहा है कि ये सब आप एक डायरी में लिख सको जो आपके साथ रहे, या अगर आप जर्नल लिखते हो तो उसका भी ऑप्शन है। ये मैंने बता दिया। एंड दिस इज द मैगजीन होल्डर, बेसिकली नीचे स्पेस तो इतनी ज्यादा है कि आपको बैग की टेंशन है नहीं। यहाँ पे सीट बेल्ट साइन अभी ऑन है। तो भाई मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे विंडो सीट मिल जाए, लेकिन ये फ्लाइट पूरी भरी हुई है, कुछ भी खाली नहीं है। तो ये बटन देख लो ना, इसको दबाओगे तो ये पूरा बंद हो जाएगा। और ये है डाइनिंग का बटन, डाइनिंग पोजीशन में आ जाएगा, टेक ऑफ पोजीशन, और ये है बेड पोजीशन। इसको भी मैं करके देखूंगा, हालांकि फ्लाइट छोटी है। यहाँ पे भी तीन ऑप्शन हैं, लेकिन ये ऑप्शन इस प्राइवेट सीट के लिए, बेसिकली वहाँ पे आंटी बैठी है, उनको मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। देखते हैं इसमें क्या क्या है। बेनेट स्नैक्स, इन लोग चेंज करते रहते हैं टाइम टाइम से। इवियन वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, ग्लास स्पार्कलिंग वाटर, इवियन, और वहाँ पे आई थिंक नट्स होंगे। ये है अरेबिक नट्स, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। दिस इज द मेन्यू। तो एज आई सेड, इस टैब से पूरे स्वीट को आप कंट्रोल कर सकते हो। फाइनली वी टुक ऑफ। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं टेक ऑफ कैप्चर ही नहीं कर पाया आराम से ना, मतलब जगह इतनी ज्यादा है कि हमारे इंडिया में तो मतलब जो हॉस्टल्स होते हैं ना, बैकपैकर हॉस्टल, वो जो गद्दा होता है उससे भी ज्यादा जगह है भाई। मजा आ गई भाई, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस तो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं करूँगा। देखते हैं भाई, इसको बंद करते हैं। ये बन गया हमारा प्राइवेट कमरा, एंड द मोस्ट रियल प्राइवेट स्वीट एट 40,000 फीट। इससे कमाल का प्राइवेट स्वीट आपको क्या मिलेगा गाइस, लाइक बाय फार द बेस्ट। बार आपको पता है, आप देख चुके हो जब मैंने बिजनेस में ट्रैवल किया था, ये कुछ है आपके लिए नया। अभी मैं आपको शावर रूम दिखाता हूँ प्रॉपरली। तो एज यू नो दिस इज द डबल डेकर प्लेन, नीचे है इकोनॉमी क्लास और अब हम है ऊपर। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ A380। नीचे जाना अलाउड नहीं है, दो दो शावर रूम्स हैं, एक यहाँ पे शावर स्पा मेंशन है, देखो शावर स्पा दो दो हैं, लेकिन दोनों ऑक्यूपाइड हैं। और शावर आप ले सकते हो, लेकिन 5 मिनट में शावर आपको खत्म करना पड़ेगा। पानी सिर्फ 5 मिनट ही आएगा क्योंकि सबको यूज करना होता है। आई डोंट थिंक मैं शावर ले पाऊंगा, कभी फिर लॉन्ग हॉल की फ्लाइट हुई फर्स्ट क्लास की तो उसमें जरूर लूंगा, बट अभी मैं आपको पूरा एक अच्छा ब्रीफ टूर जरूर दूंगा कि शावर कैसा होता है 40,000 फीट पे।
तो भाई हमारा खाना लगने वाला है, ये कटलरी वगैरह देख लो भाई, इससे बेस्ट आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलने वाला। एंड आई थिंक ये चीज है या बटर है, नॉट श्योर। ये पेपर है, दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, और यहाँ पे आएगी शैंपेन। एक और चीज बतानी थी आपको बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये जो सीट है ना, इसको जिसे आपको दिख रहा है मील का ऑप्शन। श्योर 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 आपके लेफ्ट में खाने का एक सिंबल बना होगा, इसको प्रेस करोगे ना तो ये सीट जो है आपकी जिसमें आप बैठे हुए हो ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगी उस पोजिशन में, जिस पोजिशन से आप अच्छे से अपनी मील इंजॉय कर सकते हो। एंड लुक एट दिस, दिस इज कैवियर। बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में, फर्स्ट क्लास में मिलता है, नॉट इवन इन बिजनेस क्लास। दुनिया के जितने भी फर्स्ट क्लास हैं वही सर्व करते हैं, एंड इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एंड ये है सोर क्रीम, ये है एग योक, और इसके साथ खाते हैं इसको जस्ट फॉर द टेस्ट सेक, और एक बार तो एक्सपीरियंस करना बनता है। और अभी मेन मील हमारी आएगी लेकिन वो बाद में। Oh, I've heard about her body. This is the 2013 Dom Perignon Champagne. Yeah, it's, I think, $250, I feel. Yeah. ट्राई करते हैं ये कैवियर, मैंने सुना है इट इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डिश। लेट्स ट्राई दिस। आई थिंक इसको क्रीम के साथ खाते हैं। क्रेजी गाय, टू गुड। एक चीज समझना गाइस, फर्स्ट क्लास में ना यूजुअली प्री मील्स पहले आते हैं, तो ये एक प्री मील है, इसके बाद शायद हमारा मेन कोर्स आएगा। बट अगर लॉन्ग हॉल फ्लाइट होता ना, 3-4 प्री मील्स आती हैं और फिर मेन कोर्स आता, समथिंग गुड टू नो। तो बिजनेस में यूजुअली मेन मील पहले आ जाती है, तो आपने जब पहले वाला ब्लॉग देखा उसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट आया था अगर आपको याद होगा, बट इसमें प्री मील आई है फिर मेन मील आती है। अगर बड़ी फ्लाइट होती 8-9 घंटे की तो हो सकता है 4-5 मील होती है उसमें। कितना कमाल का लग रहा है ये पूरा प्रीमियम स्वीट, कितना लग्जरी लग रहा है। थोड़ा बंद कर लिया है मैंने इसको, थोड़ा लग रहा है ना मतलब कोई होटल रूम में बैठे हो। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन और दुनिया का बेस्ट क्लास एट 40,000 फीट। ये है मेन कटलरीज, एंड दिस इज लेमन, पता नहीं कुछ तो है। एंड यहाँ पे इन्होंने स्पाइसेस वगैरह दिए हैं। फटाफट खत्म करते हैं कैवियर, कीमती कैवियर को, ये पता नहीं अब मैं कब खाऊंगा। क्रू को कहाँ से बुलाएं? ये दिख रहा है ब्लू वाला बटन, इसको दबाने का तो क्रू पक्का आ जाएंगे, और वो भी मैक्सिमम मुझे लग रहा है 10 सेकेंड के अंदर अंदर। तो ये आ गया हमारा मेन कोर्स, हर्ब चिकन विथ राइस। ट्राई करते हैं एक बार। इस बार ट्राई करेंगे थोड़ी प्राइवेसी के साथ। ये राइस काफ़ी कमाल के लग रहे हैं और ये चिकन काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी गर्म है। साथ में शैंपेन, चाहो तो आपको ये मूवी लगा लो, लेकिन आपको पता है कि मेरा क्या सीन रहता है, मैं से यही देखता रहता हूँ। बाकी ये पूरा आपका रूम बन गया प्राइवेट, ये चाहो तो ये लाइट भी चालू कर सकते हो। पहले मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। लेट्स ट्राई दिस हर्ब चिकन विथ राइस, बहुत डिलीशियस लग रहा है, टेस्ट भी करते हैं। और इसकी रिव्यू मैं नहीं करूँगा, सिर्फ बताऊँगा अच्छा है या ख़राब है। रिव्यू मतलब आई थिंक मैंने मैक्सिमम 10 ही दिए हैं सुबह से। बेसिकली ये जैस्मिन राइस है और थोड़ा स्वीट फ्लेवर है। ऑनेस्टली मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मैं सिर्फ बताऊँ, कई लोगों के टेस्ट में हो सकता है, बट इट्स मोर स्वीट, तो मेरे टेस्ट में नहीं है। ऑफकोर्स द चिकन इज वेरी फ्रेश, दिस इज जैस्मिन स्टिकी राइस, खाया जा सकता है, पूरा खत्म करूंगा ऑफकोर्स, छोड़ूंगा कुछ नहीं, ठीक लगा। ये रही शैंपेन, बस खा के मैं आपसे मिलता हूँ। एक चीज जरूर बोलूंगा, द चिकन इज वेरी फ्रेश। After you take the shower, you have the option of using these products. Voya ke products hain, body moisturizer, body wash. After shower you can use it. Dental kits bhi hain. Ek bar Google kar lena iska price, ek bar is conditioner ka. So aapko samajh mein aayega ki ye kitne zyada premium. Ab aap socho guys, bar bhi ye vacant nahi hua hai shower. Main kahan se lunga? दो वॉशरूम होते हैं शावर वाले, वो भरे हुए हैं। एक इन्होंने एक और वॉशरूम सेपरेट रखा होता है फर्स्ट क्लास वालों के लिए। तो देखो इसमें टॉवल्स वगैरह, ये परफ्यूम्स देख रहे हो, बुल्गेरी की परफ्यूम्स हैं, वो विंडो पे मिल जाती है।
दिस इज अ डेजर्ट, इसका नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं है. दिस इज चॉकलेट, वनीला क्रीम है, स्ट्रॉबेरीज हैं. वो ट्राई करते हैं एक बार. ये दिखने में काफी बढ़िया लग रहा है. ये चॉकलेट है ना, साथ में स्ट्रॉबेरी, बहुत ही रिच टेस्ट आ रहा है. अभी मैं इसको क्या रेटिंग करूं गाइस, खत्म करता हूं, एंजॉय करता हूं, कोशिश करता हूं आपको वॉशरूम दिखा सकूं. डेजर्ट डन, स्पार्कलिंग वाटर बस पी रहा हूं. और ये जर्नल निकाल लिया है, डायरी निकाल ली है, कुछ कुछ लिखूंगा इसमें अपनी मेमोरीज. बस आई थिंक 10 मिनट में डिसेंट शुरू हो जाएगा. शावर एरिया ऑफ एमिरेट, ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ एमिरेट्स में मिलेगा. ये है शावर एरिया, ऑफ कोर्स अभी मैं ले नहीं सकता. एक चीज बताता हूँ आपको, ये जितनी भी चीजें हैं बहुत सुपर एक्सपेंसिव हैं. परफ्यूम्स देख लो या फिर ये हैंड क्रीम देख लो, बहुत कुछ है. यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो, लाइक आफ्टर द शावर यू कैन कम. और ये जो फ्लोर है आपको ये गर्म मिलेगा, सो इट इज ऑटोमेटिकली हीटेड फ्लोर. ये जो शावर एरिया है यहाँ पे टाइमर लगा है, 5 मिनट्स बाद ही अपने आप बंद हो जाएगा. अंदर बैठ भी सकते हो. दिस इज, इस बार भी मैं शावर ले नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, आई विश. मतलब अंदर भी स्क्रीन लगी है. यहाँ पे अगर टर्बुलेंस आ जाए बीच में, पकड़ के बैठ जाना. एंड दीज आर दी एमिनिटीज, ब्रश कॉम्बोज सब कुछ भरा हुआ है. हेयर ड्रायर भी है, दिस इज द हेयर ड्रायर. हैंगर भी दिया हुआ है. दिस इज द ओवरऑल शावर एरिया. सो फार सो अमेजिंग. I go straight from the bank, gassing up the tank, cranking up the radio, playing old Hank. Emirates first class में ना आपको takeaway जरूर मिलता है. This is super super high quality chocolate जो आपको टेक अवे के लिए मिलेगी. बहुत भारी box है, एक goodie bag समझ लो इसको. मतलब जैसे होता है ना कि भाई आए हो तो खाली हाथ मत जाओ. So these are the high high quality chocolates. एक try करते हैं. Let's try this. ये कुछ लिखा है, कंपनी का नाम लिखा है. Try करते हैं भाई. तो ये मैं अपनी मम्मी के लिए लेके जाऊंगा. बहुत ही उमदा चॉकलेट्स हैं ये. तो भाई क्या जर्नी रही है. वैसे तो 20 मिनट से हम एयरपोर्ट में घूम रहे हैं, आप जाके पहुंचे हैं भाई एरो ब्रिज के पास. Finally, I'm in Hong Kong. आते साथ ही इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया. पूरी बात बताऊंगा, सामान मिल जाए पहले, then I'll tell you. मतलब उतरते साथ ही यार, भाई ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा. बेसिकली इमिग्रेशन डेस्क ट्रेन से जाना पड़ता है, अभी हम ट्रेन से जाएंगे. So, ये जो टैक्सीज देख रहे हो ये ऑथेंटिक टैक्सीज हैं, हांगकॉन्ग फेमस टैक्सीज है. बॉम्बे में काली पीली है ना, जो अभी अभी बंद हुई है, यहाँ की ये है भाई, अभी भी चल रही है. मुश्किल से कैब वाला मिला है, फंस गया था मैं. होटल में आ गया था, मेरे पीछे देख सकते हो ये है मेरा होटल. आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आप ये मत सोचना कि मैं व्लॉग को एक्सटेंड करने के लिए बातें बोल रहा हूँ. आई ऑलमोस्ट गॉट डिटेन्ड. अभी जो इमिग्रेशन चल रहा है हांगकॉन्ग में, आई डोंट नो किस रीजन से ये इतना ज्यादा खतरनाक टफ हो गया है. मतलब आप मानोगे, मैं जैसे ही उतरा प्लेन से उतरने के बाद दो इमिग्रेशन ऑफिसर्स मेरे पास आ गई. मेरा पासपोर्ट देखा और उन्होंने देखा कि भाई इंडियन पासपोर्ट है, मुझे उन्होंने साइट पे बुला लिया. और जितने भी इंडियन नेशनल्स, वैसे फ्लाइट में बहुत कम इंडियंस थे, जो एमिरेट्स की फ्लाइट थी, आप बोल सकते हो कि जिनका इंडियन कलर था, तो उनको जो है वो ऐसी देख के बोल रहे थे भाई आप साइड आ जाओ. उसके बाद उन्होंने कम से कम 15-20 मिनट मुझसे क्वेश्चनिंग की, मेरा यूट्यूब चैनल पूछा, मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग पूछा, मैं कितना अर्न करता हूँ, कैसे कमाता हूँ. अभी फिर मैंने उनको बताया कि मैं ऑलरेडी 7-8 कंट्रीज जा चुका हूँ. उन्होंने फिर मेरे वीजे देखे, फिर मेरे इंस्टाग्राम के पोस्ट देखे कि भाई मैं एक्चुअली वहां पे गया था कि नहीं. फिर उन्होंने मेरी होटल की बुकिंग पूछी, फिर पूछा कि मैं कितना कैश कैरी कर रहा हूँ, कैसे जाऊंगा, कहाँ पे रहता हूँ एग्जैक्टली. इतने सवाल जवाब तो भाई मतलब मुझसे कोरिया या जापान में भी नहीं पूछे ने यहाँ पूछे. और अब यकीन मानोगे, मेरे 3 प्रिय सब्सक्राइबर्स वो गुजरात के हैं. पहले वो मुंबई से हांगकांग आए, हांगकांग से उनका प्लान था वियतनाम, वियतनाम से थाईलैंड, थाईलैंड से फिर वापस इंडिया. ठीक है, आप मानोगे अभी 20 दिन पुरानी बात है, तीनों को
डिपोर्ट कर दिया, तीनों को डिपोर्ट कर दिया। और मतलब सोच के जब मैं 15 दिन पहले था, मैंने बताया अपने सब्सक्राइबर को कि भाई मैं जा रहा हूँ हांगकांग, तो उसने बोला कि हरे भाई हमको तो रिपोर्ट कर दिया था। मैंने उसको फोन किया था जानने के लिए कि कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस हांगकांग का, तो कहता कि भाई मुझे हमें तो रिपोर्ट ही कर दिया। उनको 70-80 हजार रुपए पर पर्सन का ट्रिप था, वो तीन लोगों का ट्रिप था, 10 दिन का ट्रिप था, पूरा 10 दिन का ट्रिप वेस्ट हो गया। इमिग्रेशन पे जैसे ही पहुंचा तो कहते कि आप अपना वीजा दिखाओ, तो वीजा मैंने दिखा दिया, PDF था। कहते कि नहीं हम सिर्फ हार्ड कॉपी लेते हैं, सॉफ्ट कॉपी नहीं लेते। तो अभी क्या हुआ, मुझे लग रहा था कि भाई इंडियन इमिग्रेशन में तो कोई इशू नहीं हुआ हार्ड कॉपी का, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, तो मैं ऐसे ही आ गया सॉफ्ट कॉपी लेके। कहते लेकिन नहीं हार्ड कॉपी लगेगी, तो फिर मैं हार्ड कॉपी लेने गया और उसके बाद फेवरेट्स का ऑफिस भी नहीं मिला मुझे। यहाँ पे इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है कि आपने किसी को मेल भेजा और फटाफट वो निकाल देगा, यहाँ पे है ही नहीं प्रिंटिंग मशीन। मतलब आप मानोगे 15-20 मिनट बाद एयरलाइन का मैंने ऑफिस देखा, वहां जाके फिर मैंने उनको बोला कि प्लीज मेरा ई वीजा निकाल दो हार्ड कॉपी, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बोला कि आप इस नंबर पे मेल करो, और फिर जिस नंबर पे मैंने मेल भेजा कोई अथॉरिटी थी उन्होंने फिर फैक्स किया। मतलब यहाँ पे फैक्स की फैसिलिटी है, प्रिंटिंग की फैसिलिटी नहीं है। 40 मिनट लग गए होंगे वीजा लाने में, उसके बाद में वापस लगा इमिग्रेशन की लाइन पे, और तब तक इमिग्रेशन की लाइन इतनी लंबी हो चुकी थी गाइस, इतनी लंबी हो। फिर मुझे 1 घंटा और लग गया। और यहाँ पे हांगकांग में प्रायोरिटी लेन है ही नहीं इमिग्रेशन के लिए। जैसे अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हो भाई, तो कम से कम प्रायोरिटी लेन तो दो गाइस। फर्स्ट क्लास का जो फेयर होता है इट्स लाइक वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो उसके लिए प्रायोरिटी लेन होती है, सब एयरपोर्ट में होती है, यहाँ पे नहीं थी। दिस वॉज इट एक्सपीरियंस ऑफ इमिग्रेशन। अगर आप हांगकांग आ रहे हो बी केयरफुल, ऑथेंटिक रीजंस लेकर आना अपने पास, वरना पक्का डिपोर्ट करेंगे। पूरी तैयारी से बैठे हैं डिपोर्ट करने को, खासकर इंडियंस और एशियन सब कॉन्टिनेंट से, तो वो डायरेक्टली साइड कर लेते हैं। और जब मेरे दोस्तों को उन्होंने डिपोर्ट किया 15 दिन पहले, तो मैं काफी ज्यादा घबरा भी गया था कि भाई ऐसा क्या है कि यार आप डिपोर्ट कर रहे हो, बिग थिंग गाइज। बहुत दुख लगता है अगर कोई भी रिपोर्ट हो। इस ब्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करते, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।